एक व्यक्ति बुजुर्ग हो चला था और उसको अपनी बहुत बड़ा उद्घोष व्यापार था, उसकी विरासत अपने किसी एक बच्चे को दे दी। उसके तीन बेटे थे, उसने सोचा किसको दूं जो कि मेरे व्यापार को बढ़ाए, तो किसको दूं कि बढ़ाए। तो तीन बच्चे थे तो उसको एक आइडिया पूछा। उसने तीनों बच्चों को बुलाकर एक एक गेहूं का बोरा दिया और उसको बोला मैं एक साल घूमने जा रहा हूँ, तीर्थ पे जा रहा हूँ, एक साल और वापस आऊंगा और तुम मुझे ये गेहूं वापस कर देना एक साल बाद। एक साल बाद वो वापस आया तो जो पहला जो भाई था उसने क्या किया था, वो गेहूं को उठाकर किसी सेफ जगह में रख दिया था, किसी अलमारी में बंद करके ताला वाला लगा दिया था कि भाई पिताजी ने बुलाया तो उनकी अमानत को सुरक्षित रखना जरूरी है। जब पिताजी आए तो उसने कहा हाँ पिताजी बिल्कुल वो सुरक्षित रखा हुआ, मैं भी देता हूँ। उसे खुला तो देखा साफ सुथरे गेहूं को धुल लग गया था और गेहूं जो है ना वो बहुत खराब क्वालिटी का हो गया था, खाने लायक नहीं बचा था, वो जानवरों को ही खिलाया जा सकता। दूसरा जो भाई था उसने सोचा यार एक साल बाद पिताजी आएंगे, पता नहीं तब तक ये टिकेगा नहीं टिकेगा, मैं काम करके इसको बेच देते। और जब पिताजी आए उसी पैसे से खरीद के दे दे, तो जैसे पिताजी आए तो उसने वो पैसा से गेहूं खरीद के दे दिया। तीसरा जो भाई था उसने सोचा कि यार एक साल का वक्त है मेरे पास और ये गेहूं है मेरे पास, इसका मैं क्या कर सकता हूं। तो उनके पास जमीनें थी, उसने क्या किया पूरी जमीनों में गेहूं को लगवा दिया। और जब पिताजी आए तो एक बोरे गेहूं की जगह उसने कई बोरे गेहूं पिताजी को वापस किए कि पिताजी ये सारे बोरे जो गेहूं के हैं ये वही है जो आपने मुझे दिए थे, आपने एक दिया था मगर ये इतने बोरे। और आप अंदाज लगा सकते हैं कि पिता ने अपनी विरासत किसको सौंपी। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी के पास वो योग्यता है, वो गेहूं के दानों के बराबर वो योग्यता, वो काबिलियत आपके पास है। योग्यता को आप ऐसी जगह पे लगाओ जिससे कि वो योग्यता कई गुना रिटर्न लेकर के आपके पास वापस आए। और वो जगह है नेटवर्क मार्केटिंग, वो जगह है नेटवर्क मार्केटिंग।